हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आयुक्त सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से हो ही चुकी है। लास्ट आपकी वीडियो है, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद एक मैप की वीडियो जरूर आएगी, ठीक है? तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहेगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है यहाँ पे, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन से कारक उत्तरदायी थे? यूरोप में राष्ट्रवाद को देखे क्या कारण थे, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ चल रहा हूँ, बाकी जो इनके आंसर्स है आप वीडियो रोक करके, जिन बच्चों को नहीं पता या फिर जो पढ़ना चाहते हैं आप वीडियो रोक करके इनको पढ़ सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपका कंप्लीट इसका आंसर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। तो ये कंप्लीट इसको पढ़ लेना है आपने। अगला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी आप देखेंगे सारे लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में 1848 के उदारवादियों की क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2016-23-2009 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न इसके बाद नेक्स्ट जो रहने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने कंप्लीट देखना है। और अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण का, किस तरह से एकीकरण हुआ इटली का, ठीक है? वो आपने यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ज्यूसेपे मैसनी कौन था? इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो दे कावूर का क्या योगदान था? दो लोगों पर आपने यहाँ पर पढ़ना है, एक मैसनी और एक कावूर, ठीक है? उसका आपने पूरा डिटेल आंसर एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। और ये दूसरा यहाँ से खा होता है कावूर के बारे में, खा नंबर। नेक्स्ट आपका गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। क्या था गांधी इरविन समझौते, उसके अंदर क्या क्या समझौता हुआ था, वो आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पूरा पढ़ लेना है, क्या था उसमें मेरठ षड्यंत्र केस, और उसके बाद फिर स्वतंत्रता की मांग की जो अस्वीकृति हुई उसके कारण क्या क्या हुआ, वो पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया? असहयोग मतलब सहयोग ना देना या सहयोग ना करना, ठीक है? तो यह कंप्लीट इसका आंसर है, उसको आपने सिर्फ पढ़ लेना है। मेन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जा रहे हैं, आंसर अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से इसको वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 का महत्व या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑलरेडी हम देख चुके हैं शॉर्ट वीडियो में भी, तो एक बार आप इसको चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्या थी, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, औद्योगिक क्रांति के प्रसार पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए? अगले पेज प्रश्न पर चलते हैं, संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रश्न 11-19-15 में पूछा गया है। उसके बाद अगला है, भूमि के ह्रास या फिर निम्नीकरण का क्या अर्थ है? भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है? मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो आपने देखना है कंप्लीट, आपको यहाँ पर आंसर दिया गया, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप इसको आराम से पढ़ पाए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण का अर्थ बताइए तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, जल दुर्लभता में यह कैसे उपयोगी है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं 18-14-10-16 में पूछा गया है। फिर है, जल प्रदूषण के कारण क्या है, इसे दूर करने के उपाय सुझाइए या फिर जल प्रदूषण कैसे दूर करने के उपाय बताइए। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है उसको देखना है, यहाँ पे रोकथाम कैसे आप इसको रोक सकते हैं जल प्रदूषण को। अगला है, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं का विषय में विस्तार से लिखिए, ठीक है? तो सामान्य कारण क्या है, उसके बाद संस्थागत, फिर प्राविधिक कारण, तो यहाँ पर पूरे डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, प्राविधिक कारण होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, यानी कोयला कहाँ कितना पाया जाता है और प्रमुख खाने कौन कौन सी है, वो आप यहाँ पर पूरा डिटेल में याद कर लेंगे। फिर है, भारत में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयला क्षेत्र कौन सा है, कोयला खाने, फिर तेल क्षेत्र कौन सा है, वो पूरा आपका डिटेल में मैप में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि मतलब खेती पर जो उद्योग पूरी तरह से डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है उस पर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में विभिन्न प्रकार की जनसंचार प्रणालियों का वर्णन कीजिए, या फिर प्रभावशाली जनसंचार माध्यमों के रूप में रेडियो और दूरदर्शन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसको आपने देखना है। और उसका नेक्स्ट आपका बहुसंख्यकवाद का अर्थ बताइए, श्रीलंका में गृह युद्ध व अशांति का विकास क्यों हुआ। तो एक आपका क्वेश्चन हो गया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट मतलब जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसको आप देख पाए। नेक्स्ट है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न आपका 14, 12, 10, 22 में पूछा गया है। सारे जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। इसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी को एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक तथा एक नैतिक कारण बताइए। इसको आपने देखना है। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या प्रमुख अंतर है, इस उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। संघात्मक तथा एकात्मक प्रणाली को सरकारों में भेद जो है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न आपका ये आ चुका है 2011, 12, 13, फिर उसके बाद 15, फिर 16 और उसके बाद 19, 22 में प्रश्न पूछा गया है, संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। अगला प्रश्न है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। अगले प्रश्न पर लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न, भारत में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। प्रश्न आपका 11, 10, 15, 19 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध है तो जातिवाद, फिर सांप्रदायिकता, लैंगिक असमानता, ये तीनों के बारे में आप डिटेल से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में इन दलों का क्या महत्व है। तो नॉर्मली देखते हैं इलेक्शन वगैरह होते हैं तो इन सब की क्या भूमिका है हमारे लोकतंत्र में, वो आपने बताना है। फिर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए पूरे डिटेल में। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को हम सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कह सकते हैं, इस व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताइए। और उसके बाद नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आपका रहने वाला है क्वेश्चन, तो लेके चलता हूँ। अगला है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है तथा उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो लोकतंत्र सामाजिक विविधताएं, तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न आपका 2011 और 12 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों के तीन क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय हो गया, उसके बाद फिर तृतीय क्षेत्र हो गया। तो इसमें आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप उसको देख पाए। ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया, फिर द्वितीय क्षेत्र और उसके बाद फिर तृतीय क्षेत्र, और ये आपने पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय लिखिए, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयां बताइए। तो ये आप पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं वस्तु विनिमय के बारे में। फिर गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका, बैंक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में बैंक का क्या कार्य संपन्न करते हैं, बैंक क्या काम करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है उस पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं बैंक के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें ऋण के अनौपचारिक एवं औपचारिक स्रोतों को समझाइए। प्रश्न आपका 11 और 16 में पूछा गया है। इसको औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है, सिर्फ आपने ये पढ़ लेना है, बाकी आपको पूरा डिटेल में अच्छे से खुद ही समझ में आ जाएगा। इसी के नीचे नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है और यह जरूरी क्यों है।
ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, ये आपका क्वेश्चन वही सेम रिपीट होगा, वहां पर नीचे दे रखा था। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवरण दीजिए। प्रश्न आपका देखो ये मान चलिए हर साल पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आपका देखो 11 में आया है, 12 में, 13 में, फिर इसके बाद ऊपर 14 में आ रखा है, 14 के बाद फिर ये आया है आपका 17 में, ठीक है, 17 के बाद आया है ये 20 में, 20 के बाद 22, 22 और 23, ठीक है। लगातार आपका क्वेश्चन आया ही है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल रट लेने हैं, ठीक है, तो ये आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपका 4 नंबर में आएगा ही आएगा। उसका अगला प्रश्न है, एगमार्क तथा ISI चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, खोज और बचाव दल के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। फिर है, भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए, ये आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर है, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य में संपर्क रखने हेतु क्या संचार व्यवस्था स्थापित की गई है। और इसी के साथ बच्चों जो आपके सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो सारे आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अभी सिर्फ एक वीडियो आपकी बची है मैप की, वो वीडियो भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। बाकी और कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। PDF कैसे ले सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं सारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बेस्ट विशेस है आपको लास्ट एग्जाम SST के लिए, और उसका फिर रिजल्ट की जो भी अपडेट रहेगी वो चैनल पर आपको मिलती रहेगी, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।